यीशु रा रूप बदलना। एक ही हफ्ते बाद यीशु पतरस जां याकूब जां तेसरा भाई यूहन्ना सहित लिए जां तेना एकांत मज उसके उथड़े पहाड़ा पन लै गया। जिखनी यीशु प्रार्थना काता थिया तो तेसरा चेहरा दिया साहे प्रगड़ा भो गया, तेसरे लिकड़े लाइटे साहे हाचे भो गए, जिही धरती पन कोई रंग करे सकिया तेस के नाबे बाधे कर हाचे। ता मूसा जां एलिया भविष्य वक्ता प्रकट भय एके मर्द इस धरती पन एस्टैमा के ना इस साल के ना के ही शव साल पेल है रिहा करी थिये। तेने यीशु स्यों तेसरी मौतरे बारे मज गल के कहीं निकी तेस तुरंत यरूशलेम मज मरे गाणु थियो। जिखनी मूसा जां एलिया यीशु स्यों गल काते थिये, तिखनी पतरस है यीशु स्यों बोलो असड़े तेन एड़े भोणु भालो आ, असे त्रा मंडप बनाते अक तिंडे तेनी अक मूसरे तेनी जा अक एलियाहरे तेनी। पण पतरसा न थ्या पाता किसे कितुआ काता। जिखनी पतरस गाले काता थ्या ता एकी चमकदार बादले हैट ए चिकारे सेके ढाके लिए, फिर तेने बादला मा जा अक आवाज सुने तेनी बोलो एक्या मीडा पुत्रा जैस्यों आऊं प्रेम काता, आऊं एस के ना खुश आ तैसेरे शुणा से के त्रयो चले डरे गए जा धरती पन लेमी गए। ता यीशु से के छूते जा तेना स्यों बोलो डरा मई उठेगा जा तेने चौवो पासे तक आऊं ता जै बे तेड़े थिया से सिर्फ यीशु थिया। यीशु जा से त्रयो चले तैस पहाड़ा के ना वापस थाले उतरी है। ता यीशु तेना स्यों बोलो अबे जै तेड़े भो तेसरे चर्चा को स्यों मई काते मुँह छुईए मरे गाणु जा फिर जीती गाणु, तेड़ा बाद तुए मिणुआ ने सुना सकते। मती अध्याय 17 अक 9 मरकुस 9 2 8 लूका 9 28 36 के ना अक बाइबलरी कहानी।